कहीं चालू रोड पर रहते तो सेलिंग होता, या तो चिड़ियाखाना गेट पर VIP एरिया है, कोई थोड़ी आते, घूमने आते हैं, जो कोई कोई खाते हैं, कोई कोई सुन कर चल जाते हैं, चाट फोच के खा कर रहता है। ये बचता नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं बचता है। चलिए, मेरे परिस्थिति अभी बहुत खराब है, एक बेटा को एक्सरसाइज पैसा भी नहीं कराए कि बेटा मेरा बोला कि माँ हम काम करते करते एक्सरसाइज मेरा हो जाए, नहीं पैसा है तो छोड़ दो मेरे एक्सरसाइज। अच्छा, डॉक्टर उनको बोले थे एक्सरसाइज करने के लिए, अब जो सारा चिकन था वो गया ऊपर से। अपना दिमाग लगाए हैं। अच्छा, थोड़ा यूट्यूब से सीखी, बाकी जो है वो अपना दिमाग लगाए हैं, क्योंकि वो चीज मतलब यूट्यूब से जो सीखे थे उसमें मतलब जब बनाए ना तो वो चावल और चिकन दोनों गल गया था। अच्छा, मेरे लेफ्ट हैंड साइड में है पटना जू का जो गेट नंबर 2 है वो है, और सुबह का टाइम हो रहा है, लोग आ रहे हैं जॉगिंग वॉगिंग करने के लिए, मॉर्निंग वॉक करने के लिए, लेकिन हम लोग ना मॉर्निंग वॉक करने आए हैं ना यहाँ सामने मिलता हुआ जूस पीने आए हैं, हम लोग आए हैं सुबह बिरयानी खाने और बिरयानी बनता हुआ आपको दिखाने। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। और पटना जू का जो गेट नंबर 2 है उसके बिल्कुल सामने एक कार्ट लगता है जिसका कुछ नाम है गोल्डन बिरयानी शॉप। नाम से फ़र्क नहीं पड़ता है, जो काम है उससे फ़र्क पड़ता है, काम बहुत सही होता है, बहुत अलग किस्म का बिरयानी जो है यहाँ बनाया जाता है। और उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो बनाने वाले लोग हैं वो, जो खाना है उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होता है कि खाना बना कौन रहा है। और आज हम लोग उस खाने के साथ साथ उस बनाने वाले को भी सपोर्ट करने के लिए आए हैं। लोकेशन वगैरह आपको बता चुके हैं, बहुत सिंपल है, गेट नंबर 2 के बिल्कुल सामने। वीक में बस 3 दिन बिरयानी मिलता है, फ्राइडे सैटरडे संडे, और कभी बिरयानी मिलेगा नहीं, 3 दिन ही आपको आना होगा। सीधे चलेंगे यहाँ से इनके घर पे, क्योंकि थोड़ा यूनिक किस्म का बिरयानी है, यूनिक स्टाइल का बिरयानी है, तो बनते हुए आपको दिखाएंगे, वहीं पे सारा वार्तालाप जो है वो करेंगे, सारा स्टोरी जो है इनका वो आपको बताएंगे, फिर यहाँ आएंगे, बिरयानी खाएंगे, टेस्ट आप तक पहुँचाएंगे। सबसे पहले जो है पानी को गर्म किया जा रहा है, तेज पत्ता, हरी मिर्च, नींबू जो है वो इसमें डाला गया। नेक्स्ट क्या डालना है? नेक्स्ट जाएगा ऊपर से नमक। तो सबसे पहले आप लोग चावल को बना लेती हैं, उसके बाद इसमें जाएगा गरम मसाला गोटा। अच्छा, जो सारा खड़ा गरम मसाला वो डाल दिया। हाँ, ये भिंगो के रखा गया है 1 घंटा पहले। अच्छा, और चावल कौन सा है? नफीस चावल है, जो बिरयानी के लिए आते हैं स्पेशल। ठीक है, नेक्स्ट जो है चावल को डालना है पानी में। तो है तो एक तरह से समझिए कि स्ट्रीट स्टाइल बिरयानी, बट जो क्वालिटी होना चाहिए उसे मेंटेन किया जा रहा है, जो कुछ डालना चाहिए हर कुछ को वैसे ही डाला जा रहा है। नेक्स्ट, अब इस तरह से चावल को ढक के पकाना है। इसमें नमक डालेंगे, बिरयानी मसाला डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे और दही डालेंगे, पुदीना डाल रहे हैं। अच्छा, आई गरम मसाला डाल रहे हैं खड़ा खड़ा। ठीक है, आई बिरयानी मसाला है। तो ये क्या मतलब बाहर से लाती है खरीद के बिरयानी मसाला? घर ही में बनाते हैं सब मसाला, सूखा हुआ ला के पीसते हैं पाउडर। अच्छा, सारा बिरयानी मसाला घर में बनाती हैं? जी। अच्छा अच्छा, हाँ। या दही है, ये आ गया दही। हाँ जी, दही है। ठीक है, एकदम जिस तरीके से ऑथेंटिक बिरयानी बनना चाहिए उसी स्टाइल में बनाया जा रहा है। इसमें लहसुन का पेस्ट है। अच्छा, अदरक का पेस्ट है। हाँ, कच्चा मिर्चा का पेस्ट है, थोड़ा धनिया पत्ता पुदीना डालकर मिक्स करके पीस दिए हैं मिक्सी में। अच्छा, तो सारा जो मसाला है वो डाल दिया गया। और ये थोड़ा हैदराबादी स्टाइल का होता है ना आंटी? जी, कोलकाता नहीं होता, हैदराबादी स्टाइल का। हैदराबाद का हल्का मसाला वसाला रहता है इसमें? जी। ठीक, ये पुदीना और धनिया पत्ता है। अच्छा, ये सब भी डलता है, पुदीना सब भी डाल रही हैं? जी। चलिए, बहुत अच्छा, कोई कमी नहीं। तो हाँ, पुदीने फेवरेट है। नहीं, हैदराबादी बिरयानी में तो पुदीना होना ही चाहिए। हाँ, जी। देखिए, हम मिला रहे हैं सब मिलके। सारे मसाले को किया जा रहा है हाथ से मिक्स, बिल्कुल जिस तरीके से घर पे बनता है उस तरीके से हो रहा है। रेस्टोरेंट है नहीं कि दिखाने के लिए ग्लव्स पहना दिया जाए, जैसे यूजुअली होता है वही काम हो रहा है। हमको दिखावटी नहीं करना है बाबू, बेचना है। मैडम सही बात है। देखिए, हल्दी डाल रहे हैं कलर आने के लिए। ठीक है, टेस्ट लाने के लिए तो सब मसाला डाल दिए हैं, कलर लाने के लिए हल्दी डाल रहे हैं। ठीक है, घी डालना है, प्योर घर का घी है। अच्छा, बाहर से नहीं लाते, दूध लेते हैं उसमें से मक्खन निकाल के घी जमाते हैं, 2 चम्मच घी डालते हैं। अच्छा, चावल में घी भी डाला गया है, कोई कमी जो है? हाँ, घी नहीं डालेंगे तो चिपकल चावल होगा। चावल थोड़ा सा खिला खिला हो जाता होगा घी डाल देने से। जी,
घी डाल के ऐसे चला देते हैं। बहुत जगह हम लोग शूट किए हैं बिरयानी, अधिकतर जगह लोग रिफाइंड ऑयल यूज करते हैं, बट यहाँ घी डाला जा रहा है। ऐसा नहीं ना आंटी, आज हम लोग आए तो घी डाला जा रहा है? नहीं नहीं, रोज डालते हैं, रोज घी डालती हैं। जितना दिन बनाए हम घी डाल के बनाए, कभी नहीं रिफाइंड डाले हैं। अच्छा अच्छा, हम लोग भी बचता तो खाते हैं ना। आप लोग भी यही बिरयानी खाती हैं? जी। चावल आंटी रेडी हो गया? जी, चावल जो है वो हो चुका है रेडी। तो अब जो है चिकन बनना स्टार्ट हो रहा है। अभी क्या करना आंटी, चिकन बनाना है? नहीं, अभी प्याज छानेंगे। अच्छा, ये प्याज को छानने वाली है। तेल हो चुका है पूरी तरह से गरम और इसी में जो है प्याज को किया जा रहा है फ्राई, और उसके बाद हमको लगता है कि इसी तेल में चिकन को भी बनाया जाएगा। फुल प्लेट 100 रुपया, हाफ प्लेट 60 रुपया। अच्छा आंटी, लगा दीजिए। 60 रुपये में क्या मिलता है? एक आलू और एक पीस। अच्छा, एक पीस चिकन? जी। अच्छा, आलू भी और एक पीस चिकन भी और चावल भी? जी। अच्छा अच्छा, तो प्याज जो है हो चुका है ब्राउन, निकाल लिया गया है बाहर। चिकन का आंटी साइज भी देख के लग रहा है वो छोटा छोटा मतलब मुर्गा रहता है, लेग वेग जो है बहुत छोटे साइज का है। हाँ, छोटा छोटा मुर्गा कटाते हैं। इस तरीके से तेल में डायरेक्ट जो मैरिनेटेड चिकन था उसे डाला जा रहा है। नहीं है, पीस तो आपका है मतलब वो लेग वेग देखे कि छोटे साइज का है। हाँ, तो 60 रुपये में इस साइज का एक पीस मिल जाता है जी। तो सारा जो चिकन है वो डाल लिया गया, ऊपर से जो फ्राइड अनियन था वो डाला गया, और अब जो है थोड़ा चिकन का जो भुनाई है वो होने वाला है। बिरयानी बनाने से पहले खुद से बिजनेस था मेरा। अच्छा। अपना बिजनेस था। क्या चीज का बिजनेस था? कपड़ा प्रेस होने वाला। अच्छा, तो बाबू को मेरा इस एक्सीडेंट हो गया ना। हाँ, तो हम लोग हॉस्पिटल 3 महीना लेकर रहे, तो मेरा बिजनेस सब टूट गया। अच्छा, तो हॉस्पिटल से आए तो नहीं मेरा कपड़ा गिरने लगा, तो हम लोग सोचे कि क्या करें क्या करें, कोई उपाय नहीं है, तो दिमाग लगाए कि एक कैस्ट्रोल खरीदें। उसको बाद पहले मैंने चाय का प्रयोग किए, चाय बेचने लगे। अच्छा, उसको बाद फिर इडली बेचने लगे। इटली से भी ज़्यादा आमदनी नहीं हुआ, एक बगल में इटली डोसा बिकता है, तो हम 20 रुपये रेट लगाए, फिर भी कस्टमर मेरा उतना नहीं आता है। तो फिर हम सोचे कि हम लोग का आइडिया कुछ और का था बिरयानी के, बाकी फिर भी हम सोचे कि बिरयानी अब चालू कर दें। जब मेरा दिन अब बुद्धि है ये है आईबे करता है, तो हम बिरयानी बेचना शुरू कर दें। नहीं बाबू, यह सब बिजनेस खोलते तो हम 1 रुपया भी न तरसना रहते। मेरे परिस्थिति अभी बहुत ख़राब है, एक बेटा को एक्सरसाइज पैसा भी नहीं कराएं, नहीं कराएं कि बेटा मेरा बोला कि माँ हम काम करते करते एक्सरसाइज मेरा हो जाए, नहीं पैसा है तो छोड़ दो मेरे एक्सरसाइज। अच्छा, डॉक्टर उनको बोले थे एक्सरसाइज करने के लिए? 1.5 महीना वो एक्सरसाइज कराए, वो बोले थे 6 महीना कराने के लिए। अच्छा, 400 के डेली लगता था, पैसे की वजह से नहीं करवा पाए। नहीं करवाए। अभी मतलब कैसा चल रहा है ये बिरयानी वाला चीज? बिरयानी मेरा अभी तो नया खोले, बहुत ज्यादा क्वांटिटी तो अभी भी आपका नहीं निकल पा रहा होगा? जी नहीं, उतना नहीं निकलता, फिर भी दिन भर में 400-500 का बस सेल कर लेते हैं। जी, ज्यादा बस 400-500 का ही दिन भर में जी सेल कर लेते हैं, ज्यादा नहीं सेल कर पाते हैं। उतना थोड़ी चालू रोड है, जो कहीं चालू रोड पर रहते तो सेलिंग होता, या तो चिड़ियाखाना गेट पर VIP एरिया है, कोई थोड़ी आता, घूमने आते हैं, जो कोई कोई खाते हैं, कोई कोई सुन कर चल जाते हैं, चाट फोच के खा कर, फिर भी लगे हुए मेहनत कर रही है, कोशिश कर रही है, लगी हुई है, सब लोग मिलके पूरे परिवार लगे हुए हैं। आप हो गई, आपकी बेटी हो गई, बेटे हो गए, सब लोग। हाँ, एक सुबह 5 बजे से हम लोग ये बिजनेस में लगे हुए हैं। सुबह 5 बजे से लग जाती हैं? अच्छा, नेक्स्ट क्या करना है? मसाला जो है वो डालना है जी, या ग्रेवी डाल रहे हैं मसाला। ठीक है, जो मसाला था उस मसाले को डाला गया। प्राइवेट काम ढूंढने वाले थे कि प्राइवेट काम करने जाएंगे, बाकी मेरे प्राइवेट काम नहीं मिलने के बजाय मेरे बेटे को दोस्त बोले कि आंटी काहे के लिए चेहरा के उदास किए हैं, हम आपको बिजनेस करने के लिए पूंजी देते हैं। अच्छा। आप बिजनेस करिए और खड़ा होइए। हम बोले कि आप बिजनेस करने के लिए पूंजी दीजिएगा बाबू, तो हम कैसे चुका सकते हैं? आंटी भगवान चुकाते हो आप मेरे को कर्जा नहीं चुकाइएगा, चुक जाएगा। मैं ये दो चाय या इडली या माथी बेच कर मैं
स्टॉल का दाम निकाल लिए हैं। अच्छा, अच्छा। और बर्तन का भी दाम निकाल लिए हैं। अच्छा। हाँ निकाल लिए बल्ब प्लस अभी बहुत कुछ है कि नहीं लिए हैं। भगवान से मनाए कि दुकान मेरा जैसा चल रहा हो इसी चले नहीं, और अच्छा चलेगा। आप उसका टेंशन नहीं लीजिए, और अच्छा चलने वाला आपका दुकान। हम आज सामान लेंगे, मेरे पास बैठने के लिए भी साधन नहीं था, कस्टमर ठरी ठरी खाते थे। अच्छा। बहुत लोग हंसते थे, बहुत लोग कुछ बोल कर चल जाते थे। अच्छा। फिर भी हम कहे भैया मेरा मजबूरी समझिए। हाँ, कोई कोई भैया लोग आते थे जो मजबूरी समझ के खा के जाते थे, कोई लोग चल जाते थे। मैं टेबल भी ले लिए बैठने के लिए एक दर्जन। अब सोच रहे हैं कि मेरे पास फाइबर का घर में प्लेट था जो यूज कर रहे हैं, अब स्टील का बर्तन लेने के लिए एक्सेप्ट सोच रहे हैं कि एकाई पूरा महीना लग जाएगा तो हम बर्तन ले लेंगे। धीरे धीरे पैसा जोड़ जोड़ के आप आगे बढ़ रही हैं, बढ़ रहे हैं। आई सहयोग करने वाला मेरे बेटे का दोस्त है। अच्छा। हाँ, वो सरकारी जॉब कर रहे हैं, बहुत मेरे के लिए सहयोग किए। आज वो पैसा नहीं देते मेरे बेटे की इलाज में तो मेरा बेटा विकलांग रहता। अच्छा, हम अच्छा, जिंदगी अच्छा। भर उनको आसान नहीं भूलेंगे, जब तक जीव धरती पर रहेंगे जब तक हम कर्जा मेरा से नहीं चुकेंगे, जितना बड़ा मेरा आसान किए हैं। एक रुपया हम किसी से नहीं लिए हैं, न दिए हैं, मेरा वोहे दिए हैं। आ तलक भी सहयोग कर रहे हैं, इतना तलक कर रहे हैं कि आंटी लड़की आपका नहीं है, वो भगवान का लड़की, आपका लड़की का भी शादी हो जाएगा, शादी हो जाएगा, खाली आप भगवान से मनाइए। सभी लोग बोलता है कि बेटी हो गई है 20 साल 18 साल के शादी कब करेगी, बाकी मेरे पास मजबूरी। आंटी 18 20 साल कोई भी उम्र होता है, अभी क्या आप टेंशन ले रही हैं? 18 20 साल कोई शादी का उम्र होता है? समझता है कि क्या मजबूरी में है। अरे तो वो भी है तब आपका इतना सपोर्ट कर रही है, बिरयानी भी वही बना रही है, सब कुछ गाइड कर रही है आपको, सिखाई आपको कैसे बनाना है, सब सारा सहयोग में मेरी बेटी रहती है। अभी शादी हो गया होता तो कैसे रहती? नहीं, बिजनेस भी नहीं कर पाते, बिजनेस भी नहीं कर पाते। 18 20 साल कोई उम्र होता है शादी का? अब क्या आ गया नेक्स्ट? पानी, पानी ठीक है, इसमें दम लगाने के लिए। अब जाएगा नेक्स्ट ऊपर से पानी। तो मसाला जो है वो रेडी हो गया, अब ऊपर से जा रहा है चावल। चावल डाल रहे हैं कलर आने के लिए। आओ, मसाले में हम लोग खुद कलर नहीं डालते हैं, कोई कलर का यूज नहीं होता, नहीं है। होता है खाली ऊपर। अच्छा। से सजाने के लिए कि लोग देखें। अब जो है सारा चावल ऊपर से डाल दिया गया। चिकन जो है फिलहाल बाहर है, चिकन अभी डाला नहीं गया। थोड़ा आंटी आपका अलग तरह का मतलब प्रोसेस लग रहा है बिरयानी बनाने का। हाँ, ये 70% चावल। क्योंकि आमतौर पर हम लोग देखते थे कि क्या होता था कि चिकन मसाला सबको साथ में पकाया गया, ऊपर से चावल डाले, लेयरिंग वेयरिंग की है। आपका कुछ अलग कॉन्सेप्ट लगा, इस तरह से चिकन को फ्राई कर ली, मसाला जो है वो रेडी कर ली, और अब जो है जा रहा है ऊपर से ब्राउन ऑनियन। तो आप मतलब कहाँ से सीखी है बिरयानी बनाना? हाँ, अच्छा, अभी यूट्यूब से ही सीखी है। अब जो सारा चिकन था वो गया ऊपर से, अपना दिमाग लगाए हैं। अच्छा, थोड़ा यूट्यूब से सीखी, बाकी जो है वो अपना अपना दिमाग लगाए हैं, क्योंकि वो चीज़ मतलब यूट्यूब से जो सीखे थे। हाँ हाँ। उसमें मतलब जब बनाए ना तो वो चावल और चिकन दोनों गल गया था। अच्छा। फिर जब हम अपना दिमाग लगाए कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। अब जाएगा थोड़ा सा ऊपर से कलर, जो कि इम्पोर्टेंट है, लोग उससे उसी को देख के अट्रैक्ट होते हैं, तो वो भी मजबूरी है डालना। खाली कलर डाल दे, सेंट कुछ नहीं डालती, कोई सेंट नहीं डालती, बहुत बहुत सही करती है। हाँ, सेंट नहीं डालते, खुद वो सेंट वेंट पसंद नहीं है। तो खुशबू में कमी नहीं रहेगा, खुशबू में कमी नहीं रहेगा, एकदम नहीं, एकदम नहीं कमी रहेगा। आप टेस्ट करके देखिए, आप टेस्ट एकदम करेंगे, ज्यादा अच्छा मिलेगा, मार्केट से और अच्छा मिलेगा बिरयानी। ठीक, नेक्स्ट इसे लगाना है दम। तो हम लोग पहली बार देख रहे हैं कि इस कलर का कपड़ा दम लगाने के लिए, हर जगह हम लोग लाल रंग का कपड़ा देखते थे। डेक्ची में बांधते हैं। अच्छा, बेचने के समय। हाँ। प्योर कॉटन चाहिए ना हम लोग को। अच्छा, भाप। अच्छा। लगाने के लिए हम देते हैं या ऊनी कपड़ा या तो प्योर कॉटन कपड़ा, ये भाप से सीता है, अति गैस से नहीं सीता, हल्का गैस चालू किए हैं। अच्छा, सारा मतलब जुगाड़ किया हुआ चीज सब है। नहीं जी, बिरयानी में हमको देख के लग रहा है आपको थोड़ा मतलब बिहारी स्टाइल का बिरयानी होने वाला है जी। ना हैदराबादी है ना कोलकाता है, ये आप लोग अपना वर्जन है जी। तो आंटी बिरयानी तैयार हो गया जी, देखिए मेरा दम जो है लग गया। हाँ जी, मेरा पूरा अच्छे से देखिए बिरयानी के। बहुत बढ़िया खुशबू भी आ रहा है बिरयानी में से। तो पूरा जो चिकन बिरयानी है देख सकते हैं कि हो चुका है तैयार अच्छे से, ऊपर में धनिया पत्ता पुदीना आपको दिख रहा होगा। लाल कपड़ा है वो बांधा जा रहा है और अभी से ले जाना है जो कार्ट था वहाँ, और वहीं पर हम लोग टेस्ट करेंगे। ये आंटी रायता भी कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है, हर किसी को बिरयानी के साथ रायता मिलेगा। इसमें क्या क्या है? इसमें है गाजर, खीरा, मिर्च, नमक, चाट मसाला और थोड़ा चीनी। चीनी भी है? हाँ।
आंटी बता रही थी कि रायता का भी बहुत डिमांड रहता है। हाँ, डिमांड ये बचता नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं बचता है। चलिए बस अब इधर इस तरह से ई रिक्शा से बिरयानी को लाया जाता है। बिरयानी जो है अब फाइनली यहाँ पर आ चुका है, कार्ट जो है ऑल रेडी सेट है और अब हम लोग यहाँ पे बिरयानी को निकलवा के टेस्ट करेंगे। इधर जो है गर्मा गर्म बिरयानी आ चुका है, एक प्लेट हम लोग निकलवाते हैं, दिखाते हैं कि 60 रुपये में क्या क्वान्टिटी मिलेगा। एक एक्सीडेंट हुआ था, क्या हो गया था? ट्रक से नस कट गया था पूरा हाथ का। ट्रक से नस कट गया था? अच्छा 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 अच्छा, यहीं यहीं पे हुआ था ना। तो आप बता रहे हैं कि गर्म नहीं छूना इसलिए ग्लव्स पहन के काम करते हैं। तो अभी भी पूरी तरह से रिकवर नहीं किए हैं, अभी भी मतलब है दिक्कत। कब तक बोले हैं डॉक्टर? 1 ईयर्स, 1 साल तक इसी तरह से रहना है, गर्म नहीं छूना है, कुछ गर्म नहीं छूना है, खाना भी नहीं है, मतलब स्पून से खाना है, हाथ से कुछ भी गर्म नहीं छूना है। फिर भी मजबूरी है तो इस काम को करना है। इधर हमारा गर्मा गर्म जो बिरयानी है वो निकाला जा रहा है प्लेट में। ये आ गया सबसे पहले आलू और चावल। इधर हमारा जो एक प्लेट बिरयानी है हो चुका तैयार, आ चुका है हमारा 60 रुपये वाला बिरयानी, साथ में कॉम्प्लीमेंट्री रायता मिलता है और सिर्फ 3 दिन ये बिरयानी मिलता है। इसका रीज़न क्या है कि लोगों का कहना है कि बस 3 दिन ही थोड़ा क्राउड होता है जू के पास तो सेल ज़्यादा होता है, बाकी दिन सिर्फ इडली बनाते हैं, 20 रुपये में इडली बेचते हैं और बिरयानी वीक में बस 3 दिन। हम लोगों को भी इनके बारे में इंस्टाग्राम से पता चला, मतलब ये लोग मैसेज किए इंस्टाग्राम पे कि ऐसा ऐसा बात है सपोर्ट करने, तो बस हम लोग तुरंत आए सपोर्ट करने, इनका वीडियो बनाने, बात करके बहुत अच्छा लगा। अब बिरयानी खा के देखते हैं अच्छा लगता है कि नहीं। सबसे पहले आप राइस देख सकते हैं, हल्का सा राइस जो है वो टूट गया है बट राइस का क्वालिटी बहुत सही है, जो बिरयानी राइस यूज़ होता है वो यूज़ किए हैं। मसाला हावी नहीं है, मसाला बहुत नहीं है, कोई सेंट नहीं, कोई फ्रैग्रेंस आर्टिफिशियल वाला कोई वैसा सेंट नहीं, राइस फ्लेवरफुल लगा। अब जो है लेग को ट्राई करते हैं। फ्राइड चिकन वाला जो टेस्ट है वो इसमें आ रहा है और इसका फ्लेवर बहुत सही लग रहा है। चिकन जो है आमतौर पर राइस के साथ मिक्स करके खाने में अच्छा लगता है, ये जो चिकन है ये ऐसे में भी बहुत सही लग रहा है। अब जो है ये लेते हैं थोड़ा लेग, इस लेग को चावल में करते हैं मिक्स और अब जो है वो खाते हैं। बिरयानी मसालेदार नहीं है, बिरयानी कोलकाता वाला भी नहीं है क्योंकि वो थोड़ा कम मसाला होता है, उतना कम भी नहीं है, बिरयानी में कोई सेंट भी नहीं है, तो इस बिरयानी को आप जो यूजुअल फॉर्मेट होता है उस पर बैठा नहीं सकते हैं। ये अलग किस्म का बिरयानी है, इनका अपना स्टाइल है, अलग किस्म का बिरयानी है, बिल्कुल भी हैवी फील नहीं होगा, स्पाइसेस जो है डोमिनेट नहीं कर रहा है, हल्का है, लाइट है और रेट के हिसाब से बहुत सही है। मतलब ऐसा बिरयानी है ना आप रोज़ खा सकते हैं, ऐसा बिरयानी है। अब जो है रायता को ट्राई करते हैं। रायता में ज़रा सा मिठास है और कंबाइन करके भी ठीक लग रहा है बट बिना कंबाइन के हमको ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि हल्का सा मीठापन जो है वो दे दे रहा रायता, तो बिना रायता का मेरा जो टेस्ट बट है उसके हिसाब से ज़्यादा बेटर लग रहा है। ज़रूर आइए, सपोर्ट कीजिए, दिखाएं आप लोग इनका जो कहानी है वो क्या कमाते होंगे, मतलब 400 को बताएं कि दिन भर में बिकता है, सुबह 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक पूरा फैमिली इन्वॉल्व, 400 का अगर बिरयानी बेच रहे हैं मेरे हिसाब से जो क्वांटिटी दे रहे हैं 50% ज़्यादा बचता नहीं होगा और कम ही बचता होगा, तो 100-200 रुपये कमा रहे हैं और उसके लिए दिन भर काम कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, ज़रूर सपोर्ट कीजिए ऐसे लोगों को। घर भी हम लोग गए थे, हाइजीन का भी ध्यान रखे थे, अब लोग कमेंट कर लेंगे हाथ लग रहा है, पैर लग रहा है, ये लग रहा है, नहीं हो पाता है इतना, कहीं भी नहीं हो पाता है, अच्छे अच्छे 5-star रेस्टोरेंट में ये सब नहीं होता है, यहाँ तो बहुत सफाई से रखा गया सब कुछ, जो पूरा जो ज़मीन था मिट्टी का था साफ़ सुथरे तरीके से बनाया गया, गाँव वाला पूरा फील आ रहा था और बिरयानी भी टेस्ट अच्छा लग रहा है, ना बहुत मसाला ना कम मसाला, बीच का है,
और आप डेली बेसिस पर खा सकते हैं ऐसा बिरयानी है ये, बिहारी स्टाइल कुछ अपना अलग बिरयानी ये लोग बनाए। ख़त्म करते हैं वीडियो, ज़रूर आइए सपोर्ट करने और कमेंट कीजिए, बताइए वीडियो कैसा लगा, ये जो बिरयानी का नया रेसिपी दिखाएं ये कैसा लगा। लास्ट बाइट लेते हैं, थैंक यू सो मच।